अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मेरे साथ मौजूद है मुंतजर मेहदी साहब, ये अपना इंट्रोड्यूस कराएंगे, और मैं हूँ जाबिर अली, आपका मेजबान। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम जावेद भाई, क्या हाल है? ठीक है ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाए, कैसे हो? ठीक हो? जी, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं मुंजिर मेहदी हूँ, प्रोफेशनल मैं इंजीनियर हूँ, माशाल्लाह। और बाकी जो है ना वो हमें एक दोस्त ने ये बिजनेस आइडिया दिया, तो हम तीनों पार्टनर ने मिलकर इसको कहा कि चलें ठीक है, इसमें एक प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नज़र आ रहा है और एक माशाल्लाह। अपना बिजनेस करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने अपना ये फैटनिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें हमारी प्रॉपर एक कंपनी हमने रजिस्टर कराई है माशाल्लाह जो कि एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है, जी सर, और उसमें जो ना वो हमारा प्रॉपर एक डॉक्टर हायर हुए हुए हैं जी जो सर, कि हर वीक या फोर्टनाइट बेस डिपेंड करता है कि कितना जब जब भी उनकी नीड होती है तो जी वो सर, आकर विजिट करते हैं, जानवरों को चेक करते हैं, माशाल्लाह। और इनके लिए जो भी इंजेक्शन वगैरह जो भी चीज उनकी रिकमेंडेशन हो वो उसको हम फॉलो करते हैं। तो चले आए बछड़े की सैर करवा दें दोस्तों के साथ। तो इसमें स्टॉक ये हमारा रेडी है सेल आउट के लिए, सेल आउट की तो रेडी है? जो ओके, हाँ जी जो दोस्त भी जो है ना वो आना चाहे विजिट करना चाहे वो आकर विजिट कर सकता है। माशाल्लाह मलूम मोड़ के पास है, अड्डा धोनी शहीद के पास हमारा फॉर्म है, जी सर। और कुछ जो लोग कुर्बानी के लिए लेना चाहें वो ले सकते हैं इनको, और आगे 1-2 महीना वो खुद उसको उस पर मेहनत करें जी और सर, अपना मार्जिन रख के सेल कर सकते हैं, या फिर माशाल्लाह। महीने बाद हम अगर जब उसको बेचेंगे तो वो फिर हम उसको कुर्बानी के हिसाब से बेचेंगे। ठीक है तो चलें विजिट करा देते हैं, तो एंट्री लेते हैं, आपको दिखाते हैं सर। ये तीसरा व्लॉग है, हाँ जी, ये तीसरा फ्लॉक है, पहले 2 फ्लॉक जो है ना वो उस साइड पर है। उस साइड पे है। ये बड़ा नहीं नजर आ रहा, इन सब से डिफरेंट है हाँ जी, ये हमने एक स्पेशली जो है ना वो कुर्बानी के लिए लिया है, ये, कुर्बानी कर लिया हाँ जी, क्योंकि एक टाइम कम है जी तो हमने सर। कहा है कि जरा ज्यादा एज वाला ले लेते हैं ताकि उस पर थोड़ी मेहनत करें तो वो जल्दी कुर्बानी के लिए रेडी हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो आ जाएं, अंदर आ जाएं, तो हम आपको ये भी दिखाएंगे और अगले दिखाते हैं पहले, जिन्हें 3 मंथ हो गए हैं। तो पहली वीडियो मौजूद है उधर, वो भी आप देख सकते हैं, और ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये पहले वाले हैं, ये दूसरा तीसरा फ्लॉक है। तो आगे एंट्री लेते हैं, 1 मिनट पीछे होना कैमरामैन, आ जाए। ये तीसरा व्लॉग है, और पहला और दूसरा व्लॉग है, और ये आप सेहत चेक कर सकते हैं। ये पहले दिन जब आए थे तो तकरीबन मान 1.5 मान, कितना वजन था पहले दिन इनका? इनका तकरीबन था कोई पौने चार मन, पौने ढाई चार मन, मान हाँ जी 2.5 मन, पौने 4 मान, कितना 185 kg के राउंड अबाउट थे ये सारे, एवरेज वेट इनका 185 kg था। इनका वजन? 185 kg था। और अब कितना हो गया? अब इनका जो है ना वो 255 के राउंड अबाउट होगा। तो एक बछड़े ने 3 मंथ में कितनी ग्रोथ की है? 3 मंथ में तकरीबन इन्होंने 90 kg इंक्रीज कर लिया। तो चारे में क्या डालते रहे हैं? चारे में हम इनको थोड़ा टाइम जो है ना वो जैसे आलू अवेलेबल थे तो जी सर आलू डाले हैं, जी सर और उसके बाद जब आलू का सीजन खत्म हो गया है तो जी उसके सर, बाद हमने साइलेज शुरू किया हुआ है, और बाकी वंडा तो वो कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। अगर कोई दोस्त चारे के बारे में पूछना चाहे तो वो भी आप शेयर कर दें, कहाँ से मंगवाया था और आलू किधर से सस्ते पड़ रहे हैं। तो अब तो सीजन खत्म हो गया है, तो अगर कोई सैलेज लेना चाहे, सैलेज किधर से मंगवा रहे हैं और किस जगह से मंगवा रहे हैं? जी साइलेज जो है ना वो हमने विजिट किया था, फैसलाबाद में एक लोकेशन है वहां सर, पर, उनका साइलेज हमें जो है ना वो सही लगा था बाकी उस पर, तो हम फिलहाल वहाँ फैसलाबाद से ही मंगा रहे हैं। सैलेज किस तरह पड़ रहा है? सैलेज चारे से महंगा है, सस्ता है, कैसे पड़ रहा है? साइलेज थोड़ा सा चारे से महंगा होता है पर महंगा होता एट द एंड उसका रिजल्ट भी उससे अच्छा होता है है, अच्छा चारे होता की है। निस्बत। तो अब आप फैसलाबाद से मंगवा रहे हैं या कहीं और से? जी जी फैसलाबाद से ही आ रहा है हमारा, अभी रिसेंटली भी 300 मन की जो है ना वो एक बैच आया है सर। और वो फैसलाबाद से ही आया है। तो ये सही ग्रोथ कर रहे हैं, अकेला वही पानी और सैलेज वगैरह तूड़ी वगैरह तो डाल नहीं रहे आप? हाँ जी, ये बिल्कुल बेहतरीन ग्रोथ कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ये लाल वाले ये को, इसका दिखा दें साइज आप चेक सर, करें, ये पीछे वाला पीछे ये जा रहा है इस तरफ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, बहुत ज्यादा वजन गेन किया 3 मंथ में सर। ये धुंधे हो गए हैं? हाँ जी, जो फ्लॉक ए है ना जी सर।
वो सब जो है ना वो तकरीबन धुंधे हैं जी सर, और फ्लॉक बी में जो है ना वो कुछ धुंधे नहीं है, वो भी एक मंथ में हो जाएंगे माशाल्लाह। अगर कोई भाई लेना चाहे तो भाई सर ने लोकेशन बता दी है तो वो भी ले सकता है, अगर कोई मंडी से लेना चाहे तो मंडी की भी लोकेशन आपको बताई है। फिलहाल के लिए खैर बात कहते हैं और इंशाल्लाह मजीद और वीडियो बनाएंगे, तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा ग्रोथ की है, ये पहले वाला है तकरीबन, जब पहले आया था मंथ में इन्होंने 2 मन वजन गेन किया है, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने में हमने खरीदे थे और कितने में हमारे सेल हो गए हैं, और जब हम सेल करेंगे तब ये वीडियो लगा देंगे, अगर कोई भाई लेना चाहे तो वो भी रब्ता कर सकता है। सर नंबर ऐड करवा दें जी, नंबर आपको वीडियो के अंदर जो वो पेनाफ्लेक्स है उस पर भी मेंशन होया हुआ था जी सर, वैसे आप नोट भी कर लें 0304-0304-1656-1656-028-028, ये मुंतजर साहब का नंबर है। और अगर कोई एक दो, सर ये आप बता दें भाई, कोई एक लेना चाहे दो लेना चाहे वो आप दे सकते हैं या इकट्ठे ही देने? एक दो अगर कोई लेगा तो उसका हिसाब से जो रेट होगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अगर पूरा बैच वो पूरे 21 का परचेज करते हैं जी सर, तो फिर उसका रेट यकीनन जो है वो कम हो जाएगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो हम पूरे बैच की बनाएंगे, 21 बछड़े सेल पे लगाएंगे एक ही कीमत, अगर कोई गोश्त के हिसाब से लेना चाहे वो भी हम देंगे, अगर कोई वैसे एक दो लेना चाहे वो भी हम दे सकते हैं। ये शैलेज है, शैलेज खा रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही लगन के साथ खाते हैं शैलेज, और साथ शैलेज के साथ होता है शैल के साथ सर क्या डालते हैं? शैलेज के साथ वंडा। कौन सा वंडा डाल रहे हैं? हम फिलहाल मैक्सिम का डाल रहे हैं। मैक्सिम का हमने जो है वो पोल क्रिएट किया था फेसबुक वगैरह पे जी सर, तो जो ज्यादा अच्छी रेटिंग मिली है वो मैक्सिम की ही मिली है। तो वो कितने में पड़ रहा है एक बैच? वो जो है ना वो हमें पड़ रहा है तकरीबन 3000 का एक बैच पड़ रहा है। 3000 का, 3000 का। चलो सही हो गया माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे बछड़े हैं। तो किसी भाई ने अगर लेने हो तो सर से रब्ता कर सकता है, नंबर दे दिया है, और जब हमने मजीद सारे सेल करने हैं ना तो वो वीडियो लगाएंगे, तो लोकेशन भी आपके साथ शेयर कर दी है, अगर कोई एक दो लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। ये पहले वाला, ये सर तीसरा है, ये जो अब लेके आए हैं, इसको आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, जो वो पहले आए थे वो भी इसी तरह थे, ये आप देख सकते हैं इनकी सेहत देख सकते हैं, और मैं वीडियो डालूंगा जब ये ज्यादा ग्रोथ करेंगे तकरीबन एक दो हफ्ते के बाद आपकी पहचान में भी नहीं आएंगे ये वही बछड़े हैं या कोई और बछड़े हैं, बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। अगर डाइटिंग प्लान किसी ने लेना हो तो वो भी सर से पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं।